Hello friends, subscribe to my channel and also press the bell icon so you will never miss out my any upcoming videos. Hello friends and welcome back to my channel Cut and Stitch. आज मैं आपको बताने वाली हूँ simple कमीज की cutting and stitching कैसे करते हैं. जो ladies कुर्ते होते हैं, ladies कमीज होती हैं, उनको हम cutting and stitching कैसे करते हैं मैं आज आपको बहुत ही easy तरीका बताने वाली हूँ. और इसमें आपको किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है मैं ये सब आपको बताऊँगी इस वीडियो में. मैं इस वीडियो में आपको इसकी सिर्फ कटिंग बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी. क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कटिंग में, इसलिए मैं इस वीडियो में स्टिचिंग नहीं बता रही हूँ. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग बता दूंगी. सो हम सबसे पहले मेजरमेंट्स देख लेते हैं कि हम इसमें मेजरमेंट क्या रखेंगे. और मैं आपको इसमें लूजिंग भी बताऊँगी कि आपको इसमें लूजिंग किस नाप में, आपको कितनी लूजिंग रखनी चाहिए. इसमें हम लेंथ ले रहे हैं 36.5 इंच और चेस्ट हमारी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों आपको लेनी है 31 इंच और 33 इंच मैंने ली है यहाँ पर. और वेस्ट यानी कमर हमारी 28 इंच है, हिप हमारा 34 इंच है, तीरा 14 है, दामन 40 इंच है और नेक फ्रंट और बैक दोनों ही 7 इंच के हैं. आपको अपनी कमीज़ में क्या लूजिंग और क्या फॉर्मूला रखना है मैं आज आपको ये भी बता रही हूँ. तो आप इस वीडियो को पूरा चेक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. सो हम देखते हैं कि इसकी लूजिंग क्या है. फर्स्टली हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट पे आपको हमेशा 3 इंच की लूजिंग देनी है, यानी अपने चेस्ट में आपको 3 इंच प्लस करना है. तो यहाँ पे हमारा 36 इंच आ जाएगा. कमर पे आप हमेशा 2 इंच की लूजिंग दें तो ये 30 इंच आ जाएगा. हिप पे आपको हमेशा 2 इंच या अपने अकॉर्डिंग आप 3 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं. अगर 34 से ज़्यादा अगर आपकी हिप का नाप है तो आप 3 इंच की लूजिंग दे सकते हैं. तीरा हमारा 14 इंच है तो 14 का हम आधा करते हैं हमेशा तो वो 7 आ जाएगा. तीरा हमेशा हमारा नेक पे डिपेंड करता है और हमारे चेस्ट पे डिपेंड करता है. अगर आपका नेक 7.5 इंच या 8 इंच से ज़्यादा है तो आप इसमें -1 कर दीजिए. और अगर आपका हिप, अगर आपका तीरा चेस्ट से ज़्यादा है इस तरीके से, अगर 34 से अगर वो कम है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं. अगर आपका गला 4 इंच है तो आप अपने तीरे को 15 इंच भी रख सकते हैं. तो मैं इसमें 1 इंच की लूजिंग दे रही हूँ. तो यहाँ पर हमारा तीरा 6 इंच. दामन में आपको कोई लूजिंग नहीं देनी है. हाँ, आप चाहते हैं कि आपको कितना चौड़ा या कितना पतला चाहिए ये, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं. मैंने यहाँ पर 40 रखा है. और नेक हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों 7.5 इंच है. अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की, कि हम फॉर्मूला क्या रखें कि हमारा कपड़े पे जो हम नाप रख के लगाएंगे, निशान रख के कटिंग करेंगे, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं. तो आप हमेशा 1/4 ऑफ चेस्ट, वेस्ट और हिप लगाएंगे हमेशा. जैसे कि अगर आपकी चेस्ट 36 इंच है तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 4 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 इंच. यानी कि आपका ये 9 इंच आ जाएगा, आपका चेस्ट 9 इंच आ जाएगा. इसी तरीके से आप वेस्ट पे करेंगे तो वेस्ट आपका 7.5 इंच आएगा. और हिप भी हमारी 36 इंच है तो उसका 1/4 हिस्सा भी, 1/4 हिस्सा 9 इंच आएगा. दामन का 1/4 आएगा हमारा 10 इंच. और तीरा हमने पहले ही लूजिंग दे दी है तो यहाँ पर 6 इंच आ रहा है. तो ये हमारा नाप है, इसको हमें रखकर अपनी सूट पर कटिंग करनी है. इस तरीके से पहले आप अपने नाप को अच्छी तरीके से लिख लीजिए और इसको आप फॉर्मूला लगाकर अच्छी तरीके से निकाल लीजिए कि आपको कहाँ पे कितना नाप रखना है. इससे आपकी कटिंग में और ज़्यादा सुधार आएगा और आप कटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको सूट की कटिंग का बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ. तो देखिए, सबसे पहले आपको सूट बिछाते वक्त देख लीजिए कि आपको आपके सूट का उल्टा और सीधा साइड क्या है. आपको हमेशा अपने सूट को उल्टा करके ही बिछाना है. और इसका आपको धागे रेशे भी देखने हैं कि इसकी लंबाई वाली साइड क्या है, आड़ी वाली साइड क्या है. आपको आड़ी वाली साइड नहीं बिछाना है, आपको हमेशा सीधी वाली साइड बिछाना है इसे. सबसे पहले मैंने इसे बीच में से फोल्ड किया है. मैं इसमें आगे और पीछे के पल्ले दोनों एक साथ निकाल रही हूँ क्योंकि ये मेरा कढ़ाई वाला सूट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इसमें ये प्रिंटेड सूट है इसमें, और इसमें कुछ भी फूल का डिजाइन नहीं है कि ऊपर नीचे की गलती हो जाएगी, इसलिए मैं इसको एक साथ काट रही हूँ आगे और पीछे के पल्ले को.
इसलिए आप मैं इसे इस तरीके से बीच में से फोल्ड करूंगी एक बार और। अब आप इसकी एक बार विड्थ चेक कर लीजिए कि आपकी ये विड्थ ठीक है कि नहीं, ये आ जाएगा आपका आपकी हिप की नहीं आ पाएगी। तो हमारी हिप यहाँ पर 9 इंच है, 9 इंच में देख लेती हूँ यहाँ पर आ जाएगा या नहीं। ठीक है, ये इतना आ रहा है और ये हमारा मार्जिन के लिए कपड़ा हो जाएगा। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है और आपके यहाँ पर हिप का नाप नहीं आ पा रहा है, दामन का नाप नहीं आ पा रहा है, तो आप इसे अलग अलग करके काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरी हिप का नाप 9 इंच है। अगर आपकी हिप का नाप 11 इंच है तो आप इसे अलग अलग करके काटें, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्जिन भी चाहिए होगा मोड़ने के लिए, तो आप इसे अलग अलग काटें। अगर आपके यहाँ पे आप पहले देख लें नाप करके कि यहाँ पर आपका कपड़ा पूरा आ रहा है या नहीं। क्योंकि कटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको यहाँ से आप अपने इस तरीके से सीधा कर लीजिए एक स्ट्रेट स्केल की हेल्प से। यहाँ से आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए और सबसे पहले आपको लेंथ का निशान लगाना है कि आपकी लेंथ कितनी है। यहाँ पर 36.5 इंच लेंथ है, तो मैं 1/2 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ, 37 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पर टोटल। अब इस लेंथ वाले निशान को मैं सीधा कर लूंगी और ये 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्जिन का भी निशान 7 के साथ लगा रही हूँ। अब यहाँ से आप सबसे पहले लंबाइयों के निशान लगा लीजिए कि आपको कहाँ पे कितनी लंबाई रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट का लगा रहे हैं, आर्मोल की लाइन खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जितना हमारा तीरा है हमने उसमें लूजिंग दी है 1 इंच की, तो 6 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं इस तरीके से। अब ऊपर से 12.5 इंच नीचे हम अपनी कमर का निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ पर 19.5 रख सकते हैं आप या 20 रख सकते हैं, मैं यहाँ पर 19.5 रख रही हूँ। यहाँ पर हम हिप की लंबाई का निशान लगा रहे हैं कि हम यहाँ पर हिप का निशान लगाना है। अब इन लाइंस को हम स्ट्रेट कर लेंगे। गोलाइयों के निशान लगाएंगे। गोलाई का निशान लगाने के लिए सबसे पहले आप तीरे का निशान लगाएं 6 इंच पर और गले की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ, यानी कि मैं 6 इंच का 1/2 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इसको इस तरीके से और यहाँ से 1/2 इंच का नीचे रखते हुए इस तरीके से 1/2 इंच डाउन। अब आपको इसका मिड पॉइंट लेना है, मतलब इसके बीच का एकदम सेंटर पॉइंट लेना है। ये 3 इंच आ रहा है, 3 इंच पर आपको 1/2 इंच अंदर करना है इस तरीके से और इसको स्ट्रेट करके नीचे से गोलाई दे देनी है। ये आपका आर्महोल का निशान आ गया। आर्महोल का निशान आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाना है क्योंकि इसी के ढाल से आपके सूट की स्टिचिंग। तो ये आपका आर्महोल का निशान आ गया, आपको इसे अच्छे से गुलाई देनी है क्योंकि इसी से आपकी फिनिशिंग आएगी सूट में। ये एक बार में ठीक नहीं बनेगा, 2 बार में ठीक नहीं बनेगा, लेकिन आपका जब तक ये ठीक नहीं बनता तब तक आपको ये बनाना है, अच्छी तरीके से गुलाई देनी है, उसके बाद आपको ये कटिंग करना है। अब हम इसकी गुलाई के निशान लगा लेंगे। तो हमारे चेस्ट का निशान है यहाँ पर 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, वेस्ट 7.5 और हिप 9 इंच और दामन आपको लगाना है 9.5 इंच पर। अब इसको हम मिला लेंगे। इसके लिए आप एक लेग शेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप एक स्ट्रेट स्केल की भी हेल्प से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले घुमा के रखना है इसे और अब इस तरीके से इसको पलट दीजिए और अब अपनी गुलाई के निशान लगाइए कमर से हिप तक और हिप से आपको दामन वाले निशान तक मिला देना है। अब इसमें आप 1-1 इंच की लूजिंग मार्जिन दे दीजिए, 1-1 इंच का मार्जिन या 1.5-1.5 इंच का मार्जिन। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से आप मार्जिन देते हुए
अगर आप मार्जिन देके कटिंग कर रहे हैं तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, इसलिए आप शुरू से अपनी मार्जिन देकर कटिंग करने की आदत बना लें। अब मैं आपको बैक आर्मोल की यहाँ पर आपको बैक आर्मोल कैसे बनाना है मैं आपको ये बताती हूँ। आपको कटिंग नहीं करनी है, पहले आप बैक आर्मोल का भी यहाँ पर निशान लगा लें, उसके बाद आप कटिंग करें, क्योंकि हम दोनों पल्ले एक साथ कटिंग कर रहे हैं। अब बैक आर्म होल के लिए आपको इसी तरीके से यहां से लीजिए और इस तरीके से आपको गोलाई देते हुए हल्का हल्का, क्योंकि हम बैक हमेशा ज्यादा काटते हैं, बैक आपको हमेशा ज्यादा रख के काटनी है, और यहां से आपको ऊपर लाके मिला देना है और बिल्कुल इस तरीके से आप गोलाई कर लीजिए। ये एकदम आपकी इस तरीके से आना चाहिए, यहाँ पर आपकी हाफ इंच या एक इंच का मार्जिन होना चाहिए इसके बीच में। अब जब हम कटिंग करेंगे तो हम बाहर वाले हिस्से, इस वाले हिस्से को लेके कटिंग करेंगे, हम अंदर वाले हिस्से को कटिंग नहीं करेंगे, हम बाहर वाले हिस्से को लेके कटिंग कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले हमारा बैक आ जाएगा, उसके बाद आप अलग करके फ्रंट की कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली भी कपड़ा काट रहे हैं तो आपको इसी तरीके से कर लीजिए, इससे आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको अपने स्ट्रेट वाले हिस्से पर कट्स लगाने हैं, कुटका जिसे कहते हैं, इस तरीके से पकड़िए और आपको बहुत छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, आपका ज्यादा कपड़ा नहीं कट। ये लगाने से आपका ये फायदा होगा कि आप अगर ये निशान आपके मिट भी जाते हैं तो आपको इससे हमेशा आपका कपड़ा ध्यान से बना रहेगा, और ये हमारे गले का चौड़ाई का निशान है। अब आपको ये अपना फ्रंट वाला पल्ला अलग करना है, ये हमारा बैक है, बैक को आप अलग कर दीजिए और इसको इस तरीके से बराबर कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब आप अपने फ्रंट वाले आर्म होल पर गोलाई दे दीजिए, इसको आपको गहराई में काटना है जिस तरीके से आपने निशान लगाया है ये वाला। तो ये आप बहुत ही आसान तरीके से दोनों एक साथ काट सकते हैं, इसमें आपका बहुत टाइम बचेगा। और देखिए कितने आसान तरीके से हमने अपनी सूट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी। इसकी बाजू की लेंथ हमारे यहाँ पर है 17 इंच और मोहरी है हमारी 5 इंच। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा ले लिया है सीधा, और सबसे पहले मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किया। अब इसको हम बीच में से फोल्ड करेंगे, तो आप नीचे से पहले 2 इंच छोड़ दीजिए हमारी मोहरी मोड़ने के लिए इस तरीके से, और इसको स्ट्रेट कर लीजिए। अब हमें लंबाई के निशान लगाने हैं, लंबाई यहाँ पर 17 इंच है तो हम हाफ इंच ज्यादा लेंगे, अपने हमारे यहाँ पर मार्जिन के लिए भी चाहिए तो हमारे यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा आधा इंच। और अब हम यहाँ पर आर्म होल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आर्म होल को इस तरीके से मेजर कर लीजिए कि आपके सूट पे जो आपने अभी सूट काटा है उसमें कितना आर्म होल आ रहा है, इस तरीके से रखिए अपने इंची टेप को और अंदर की तरफ घुमाना है आपको इस तरीके से। और ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है तो हमें यहाँ पर 8.5 इंच रख के अपने आर्म होल को कटिंग करना है। सबसे पहले इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच या 3 इंच की आप डाउन कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 2.5 इंच या 3 इंच 3.25 इंच डाउन कर रही हूँ। अब इस डाउन वाले निशान से आपको इस तरीके से रखना है और 8.5 इंच हमारा आर्म होल आ रहा है तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। और यहाँ पर आपको गोलाई दे देनी है, अपने लेंथ वाले निशान पर मिलाना है इस तरीके से, ये हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा। नीचे से आप मोरी हमारी 5 इंच यानी 10 इंच का आधा 5 इंच हुआ तो 5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लीजिए
और इसको इस वाले निशान से मिला दीजिए और आप अभी से मार्जिन का निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और नीचे जो हम इस तरीके से लगाएंगे तो हमें सीधा नहीं लगाना है, हमें इस तरीके से बाहर की तरफ लगाना है। तो जब आप सिलाई करेंगे तो यहाँ पे कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे हमारा कपड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आप सीधा कटिंग कर देंगे तो जब आप इसे पलटेंगे तो ये ऊपर की तरफ कपड़ा कम आता है, इसलिए आप हमेशा ये तिरछा रख के काटें। अब यहाँ पर आप कट्स के निशान लगा दीजिए, हमारा पहला कट है। यहाँ पे सेंटर में आप कट लगाएंगे, बहुत छोटा कट लगाना है। अब आप स्लीव्स को खोल लीजिए इस तरीके से। और इसके एक हिस्से पे आपको ढलान देनी है, क्योंकि ये हमारा आगे वाला हिस्सा जाएगा और ये पीछे वाला हिस्सा, तो इस तरीके से आपको ये ढलान देनी है। तो ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने कमीज की और स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियोस देखते रहें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।